नहीं, सीनियर नेताओं ने टिकट मांगा था और जनता उनको चाहती है और जन उनके पॉपुलरिटी के हिसाब से टिकट का वितरण किया गया है। लंबे इंतजार के बाद 144 नहीं लंबा, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है सनातन धर्म में, हमारे कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं और कमलनाथ जी चाहते थे कि कनागत के दिन जो इस समय चलते हैं प्रतिपक्ष में सूची जारी न किया जाए। मीटिंग काफी समय पहले हो चुकी थी, अधिकांश नाम तय हो चुके थे, लेकिन प्रतिपक्ष पर्व होने की वजह से आज सो पर्व है नवदुर्गा का, नवदुर्गा जी की आराधना करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की है और हमें उम्मीद है कि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिसंबर के महीने में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 5 सीटें ग्वालियर जिले की घोषित हुई है, एक अभी ग्वालियर टिकट रह गया है, चंबल संभाग में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ अभी नाम घोषित नहीं, उन पर चर्चा है, जहाँ जहाँ दो दो उम्मीदवार हैं, परीक्षण में कोई कम कोई ज्यादा आ रहा है, तो पूरी ठोक ठोक बजा के पूरा एक दो दिन में जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है कई लोग और कई स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है कि वास्तविकता का पता करें, कौन ज्यादा पॉपुलर है, किसकी ज्यादा लोकप्रियता है, उनमें से टिकट देने की एक एक दो दो नाम रह गए हैं, उनमें से तय होना है। कुछ लोगों को टिकट चेंज कर दी, जैसे केपी सिंह काफी पुराने 6 बार से विधायक हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चेंज नहीं हुआ, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से टिकट शिवपुरी से लड़ना का कहा। केपी सिंह वरिष्ठ नेता है, उनकी उपेक्षा से उनकी इच्छा के विरुद्ध पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है, उनके अनुरोध पर उनकी इच्छा के अनुरूप ही शिवपुरी से टिकट दिया गया है। काफी सीनियर नेताओं को टिकट दिए गए, जैसे अजय सिंह राहुल जी है, युवाओं की बात कर रहे थे कमलनाथ ने कहा था युवाओं को, अरे युवाओं के कमलनाथ पर समीकरण जब पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी तो वहाँ की क्षमता है, हमारी पार्टी ने तय किया है 50% टिकट महिलाओं को, SC ST OBC को और युवाओं को दिए जाएंगे। 50% टिकट जब अंतिम सूची आप निकालोगे तो 50-60-70% हो सकते हैं, 50 से नीचे नहीं हो सकते। महिलाओं को कितनी तवज्जो मिलने वाली है, महिलाओं का इस सूची बहुत कम नाम देखने को मिल रहे हैं। नहीं, महिलाओं को जितना योग्य है, जिनकी लोकप्रियता है, चुनाव जीत सकती है, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम लोग जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सांसदों को मैदान में उनके सामना करने के लिए क्या आपके कैंडिडेट पर्याप्त है? हमारे मौजूद कैंडिडेट उसे हैं, जो भी फील्ड में काम करता है वो हमारा कार्यकर्ता है, पार्टी का नेता है, पार्टी उस पर विश्वास करती है। जो भी कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे मंत्रियों के खिलाफ, उस मौजूद कैंडिडेट होंगे। कुछ नाराज नेता जिनको टिकट नहीं मिला? तो छोटी मोटी नाराजगी, प्रजातंत्र है, सब दलों में चलती है और आपस में बैठ के जो होगा उनको एडजस्ट करेंगे, कहीं जनाधार वाले हैं तो उनको आगे एडजस्ट सरकार बनने पे किया जाएगा, कई लोगों को समझा के किया जाएगा, जो उनकी क्षमता के अनुरूप उनका मान सम्मान रखा जाएगा। सुनने में आ रहा है बीजेपी कुछ बड़े चेहरे हैं जो नाराज होकर पार्टी में कांग्रेस में आ सकते हैं। अब टिकट जहाँ तक वितरण हो गया है हमारे यहाँ, तो उसमें अब गुंजाइश कम नजर आ रही है। पहले अगर कोई आता जनाधार था तो बात सोचा जा सकता था, अब संभव नहीं लगता।